आज बात करेंगे योगी के एक मंत्री की जिन्होंने फोन पर किसी को सूली पर लटका देने की धमकी दी है। इस धमकी का वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों तेजी से वायरल हो रहा है। 44 सेकंड के इस वीडियो में योगी के मंत्री चेतन चौहान किसी को जेल भेजने से लेकर सूली पर लटका देने की धमकी दे रहे हैं। आखिर योगी के मंत्री ऐसा क्यों कह रहे हैं? कौन है वो शख्स जिसे योगी के मंत्री फोन पर धमका रहे हैं? आखिर पूरा माजरा क्या है? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो की सच्चाई का पता लगाने के लिए हमने खुद मंत्री चेतन चौहान से बात की। देखिए क्या है इस वीडियो की हकीकत। अगर पैसा बीच में मार रहा है, कोई मांग रहा है, मुझे बताइएगा, मैं सूली पर चढ़ा दूंगा। किसे सूली पर चढ़ाने की बात कर रहे हैं चेतन चौहान? यहाँ मेरे अमरोह में भी एक किलो भी कोई इधर से उधर नहीं कर सकता, जेल भिजवा दूंगा। फोन पर किसे जेल भेजने की बात कर रहे हैं योगी के मंत्री? बिल्कुल क्लियर सुन लीजिएगा, रिपोर्ट जा रही है और मुख्यमंत्री की तरफ से इसकी पूरी तरीके से सुपरविजन हो रहा है मुख्यमंत्री के कार्यालय से। सीएम का नाम लेकर किसे धमका रहे हैं चेतन चौहान? 44 सेकंड का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में योगी सरकार के खेल मंत्री चेतन चौहान किसी को मोबाइल से धमका रहे हैं। इस वीडियो में चेतन चौहान के साथ कोई और खड़ा है लेकिन उसका चेहरा नहीं दिख रहा। इस वीडियो को आप गौर से देखेंगे तो पता चलेगा कि ये शायद चेतन का ही दफ्तर है या फिर उनके घर का कोई कमरा, क्योंकि दीवार पर उन्हीं की तस्वीर दिख रही है। बातचीत सुनने से ऐसा लग रहा है जैसे राशन के सवाल पर किसी को वो हड़का रहे हैं। यहाँ मेरे अमरोह में भी एक किलो भी कोई इधर से उधर नहीं कर सकता, जेल भिजवा दूंगा। वायरल वीडियो देखने के बाद हमारे मन में सबसे पहले यही सवाल खड़ा हुआ कि चेतन किसे धमका रहे हैं। हमने इस सवाल का जवाब जानने के लिए सीधे उनसे ही संपर्क किया। जवाब उन्हीं से सुनिए। देखिए, मैं एक अधिकारी से बात हो रहा था क्योंकि शिकायतें ये थी कि राशन पूरी तरीके से बट नहीं रहा था, जो गोडाउन है वहाँ से चोरी हो रही थी, पूरा जो डीलर है उनको राशन पूरा नहीं मिल रहा था और नतीजा ये हो रहा था जो डीलर हैं वो आम आदमी को, गरीब आदमी है, आम आदमी है, उनको राशन पूरा नहीं मिल रहा था। ये मेरे पास शिकायतें आ रही थी तो मैं उनसे अधिकारी से बात कर रहा था। चेतन ने बता दिया कि फोन पर उनकी बात एक अधिकारी से हो रही है। बातचीत में ये भी मालूम चल गया कि वो अधिकारी चेतन के गृह जिले अमरोहा से संबंध रखता है। जब हमने चेतन से पूछा कि आपने सूली पर लटकाने की धमकी क्यों दी तो सुनिए उनका जवाब। सूली चढ़ाने की बात क्यों हुई? नहीं, बस इसलिए क्योंकि जब बात गर्मी होती है और जब गरीब से संबंधित भाव आती, गरीब से बात आती है और एक बार बोलने के बाद भी अगर शिकायतें आती हैं तो फिर देखिए थोड़ा चेतावनी देने की बहुत ज़रूरत होती है। मुझे नहीं मालूम है कब का है, लेकिन हो सकता है ये मेरे ख्याल से 7 दिन पहला पुराना हो या 10 दिन पुराना हो, 7 दिन या 10 दिन पहला। सवाल जवाब से साफ हुआ कि अमरोहा में राशन चोरी की घटना हो रही थी, उसकी सूचना मिलने के बाद योगी के मंत्री अफसर को हड़का रहे थे। बिल्कुल क्लियर सुन लीजिएगा, रिपोर्ट जा रही है और मुख्यमंत्री की तरफ से इसकी पूरी तरीके से सुपरविजन हो रहा है मुख्यमंत्री के कार्यालय से। हालांकि बातचीत में चेतन ने ये नहीं बताया कि जिस अफसर से उनकी बात हो रही थी उसका नाम क्या है, लेकिन चेतन ने इतना हमें जरूर बताया कि फोन पर हुई इस बातचीत के बाद अमरोहा में अब राशन ठीक से बट रहा है और कल फिर वो अमरोहा जाकर इस बात की तस्दीक करेंगे। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।